फ्रेंड कैसे हैं? स्वागत करते हैं हम नासिर सर के साथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को फ्यूचर टेंस, ठीक है, इसका हिंदी होता है भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, वो हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा और आप वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसको बनाने का पहला ट्रांसलेशन है, मैं कल कोलकाता नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका है मैं, तो मैं का हो जाता है आई, ठीक है। उसके बाद सेल या विल लगता है, तो आई के साथ लगता है सेल, तो आई सेल। उसके बाद नॉट नहीं है ना, तो नॉट लगेगा, तो आई सेल नॉट। उसके बाद वर्ब, तो यहाँ पे जाना है ना, तो इसका हो जाएगा गो, आई सेल नॉट गो टू कहाँ, तो कोलकाता, कॉल काता। कब, तो टुमोरो, TOMORROW, टुमोरो मीन्स आने वाला कल। तो मैं कल कोलकाता नहीं जाऊंगा, आई सेल नॉट गो टू कोलकाता टुमोरो, ठीक है। इसका नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, हम लोग परसों कोलकाता नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है, ये मेरा हम लोग है, तो हम लोग का हो जाता है वी, ठीक है। और वी के साथ लगता है विल, तो वी विल। उसका नॉट, नॉट। उसका मेरा वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे जाएंगे ना है, तो इसका हो जाएगा वी विल नॉट गो टू, कहाँ जाएंगे, कोलकाता, तो कोलकाता। परसों, तो डे आफ्टर, ठीक है, डे आफ्टर का अर्थ होता है परसों। आगे बढ़ते हैं, आगे है वे लोग खाना नहीं खाएंगे, तो वे लोग का हो जाता है दे, दे। उसके बाद दे के साथ लगता है विल, तो दे विल नॉट, ठीक है। खाना खाएंगे, तो खाना का हो जाता है ईट, ईट, ठीक है। दे विल नॉट ईट अ फूड, FOOD, फूड। वे लोग खाना नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट फूड। सोनल खाना नहीं बनाएगी, तो सोनल विल नॉट, ठीक है। खाना बनाना का हो जाता है कुक, ठीक है, कुक फूड। सोनल विल नॉट कुक फूड, सोनल खाना नहीं बनाएगी। उसके बाद वह नहीं पढ़ाएगा, वह का हो जाता है ही, ही के साथ लग जाता है विल, तो ही विल नॉट। पढ़ाना का हो जाता है टीच, TECH, ही विल नॉट टीच, वह नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद है वह नहीं पढ़ेगी, वह का हो जाता है सी, और सी के साथ लग जाता है विल, तो सी विल नॉट। पढ़ना का हो जाता है रीड, READ, रीड, वह नहीं पढ़ेगी, सी विल नॉट रीड। तुम शादी नहीं करोगे, तो तुम का हो जाता है यहाँ पे यू, यू के साथ लगता है विल, तो यू विल नॉट। शादी करना का हो जाता है मैरी, MARRY, मैरी, मैरी में शादी करना, ठीक है। तुम शादी नहीं करोगे, यू विल नॉट मैरी। मैं कलम नहीं खरीदूंगा, तो मैं का हो जाता है आई, आई के साथ लग जाता है सेल, तो आई सेल। उसके बाद नॉट, आ खरीदना का हो जाता है बाय, BUY, बाय। कलम का हो जाता है पेन, तो आई सेल नॉट बाय पेन, मैं कलम नहीं खरीदूंगा, ठीक है।
तो दोस्तों एक बार और अच्छे से ये वीडियो बता देते हैं, फिर से समझा देते हैं। फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बताने जा रहे हैं। इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शैल या विल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड। जैसे है, मैं कल कोलकाता नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू कोलकाता टुमोरो। हम लोग परसों कोलकाता नहीं जाएंगे, तो वी विल नॉट गो टू कोलकाता डे आफ्टर। परसों का हो जाता है डे आफ्टर। उसके बाद है, वे लोग खाना नहीं खाएंगे, तो दे विल नॉट ईट फूड। सोनल खाना नहीं बनाएगी, सोनल विल नॉट कुक फूड। वह नहीं पढ़ाएगा, तो ही विल नॉट टीच। वह नहीं पढ़ेगी, सी विल नॉट रीड। तुम शादी नहीं करोगे, यू विल नॉट मैरी। मैं कलम नहीं खरीदूंगा, आई शैल नॉट बाय पेन।